नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमन प्रेस जीकेजीएस पर। दोस्तों आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर का आपका थर्ड चिप का जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 13 सितंबर थर्ड चिप में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स का अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को भी मिलाएंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ही दीजिएगा, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था करंट अफेयर से कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 175 रन मारकर कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था। ये प्रश्न आपका आया था मार्च 2022 के करंट अफेयर से। तो दोस्तों आपको बता दूं यह प्रश्न आपका पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका रविंद्र जडेजा होगा। बहुत लोगों ने विराट कोहली मारा है, नहीं, आपका रविंद्र जडेजा होगा। रविंद्र जडेजा ने मोहाली में क्रिकेट श्रीलंका के खिलाफ पहली टेस्ट के दूसरे दिन करियर के सबसे नवाद 175 रन की पारी खेलकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है और भारत के लिए नंबर 7 या इससे नीचे किसी पैदान पर सबसे ज़्यादा रनों की पारी खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है, जो कि आपका कपिल शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आपका रविंद्र जडेजा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था एयर इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है अभी हाल ही में दोस्तों मई 2022 में कैंपबेल विल्सन को मिली एयर इंडिया की कमान, नियुक्त हुए एयरलाइन के MD और CEO। तो दोस्तों आपका जो चेयरमैन है कैंपबेल विल्सन जी को बनाया गया है मार्च 2022 में। अगर इससे पहले अगर पूछा होगा मई 2022 का पूछा होगा तो एन चंद्रशेखरन आपका दोस्तों एयर इंडिया के चेयरमैन आपके हो जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि महावीर संग्रहालय किस राज्य में आपका स्थित है। तो दोस्तों महावीर संग्रहालय की बात करें तो भगवान महावीर संग्रहालय जो कि दोस्तों कड़प्पा आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है, तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में आपका होगा तो आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन जो आपका त्यौहार मनाया जाता है वो किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध के विष्णु जी का अवतार माना जाता है, इसलिए इस तिथि को हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ही श्रद्धाभाव से त्यौहार को मनाते हैं, जो बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार से आपका प्रचलित है। तो हिंदू और बौद्ध धर्म के जो दो हिंदुस्तों आपका मनाते हैं, मेनली हिंदू धर्म का ये आपका त्यौहार है जो चंद्र पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ऐसा ही कुछ आपका प्रश्न आया था। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा है जो कि 16 मई को मनाई जाएगी, इस दिन आपका पहला चंद्रग्रहण भी लगेगा। तो दोस्तों आपका हिंदू राइट आंसर हो जाएगा। सरकार का विनय समरस योजना किससे संबंधित है? बात करें दोस्तों आपका विनय समरस योजना का तो बहुत से लोगों एक दो लोगों का कहना है कि आपका असहाय लोगों के लिए आपका ऑप्शन में आया था, लेकिन जब हम गूगल किए हैं दोस्तों तो पता चला है कि कर्नाटक सरकार ने विनय समरस योजना का घोषणा की है, जो राज्यभर के ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या आया था, इसका आंसर क्या होगा। विनय समरस योजना जो कि कर्नाटक सरकार लॉन्च की थी, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, उसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे आया था कि निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं। तो दोस्तों उपधातु आया था आपका आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, सेलेनियम, एंटोनमी, बोरोन और बिस्मथ आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों बोरोन आपका है जो कि आपका उपधातु है। तो बोरोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो को विकास के लिए या जो ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है वो दोस्तों ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शनों के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपका नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और पुरस्कार है जो कि आपको ग्राम पंचायतों को दिया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, पंचायतों के सभी 3 स्तरीयों के समान और विषयगत श्रेणियों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन में शायद आया होगा तो आपका नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार होगा, जो कि आपका ग्राम पंचायतों के उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका दिया जाता है। दोस्तों की मार्च 2022 तक किस राज्य की भाषा है, जो राजभाषा है जो कि आपका हिंदी है। तो आपके पास शायद ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, गोवा, राजस्थान, इस तरह करके। तो दोस्तों ऑप्शन तो क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन आपके बाद बता दूं कि जो आपका 12 राज्यों में जो आपका हिंदी है वो आपकी राजभाषा है, वो राज्य तो आपका सामने है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये सब जो आपका सामने दिया गया है ये दोस्तों आपका सभी राजभाषा यहाँ की हिंदी है। तो आप कमेंट सेक्शन अपना ऑप्शन से मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि कौन सा जो तत्व है आपका द्वि कार्बनिक है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपका देखने को मिला था। तो शायद आपका ऑप्शन में इथिलाइन होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था
कि जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पे कैसा धातु बनेगा, अम्लीय, क्षारीय या इस धातु धातु, इस तरह का आपका ऑप्शन आया था। तो इसका आंसर दोस्तों नहीं मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे आया था कि गर्भ निरोधक को रोकने के लिए उचित उपाय कौन सा है, चार ऑप्शन दिया गया था आपका पास, कॉन्डोम, कॉपर टी, ये सब करके। तो शायद इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका कॉपर टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गर्भ को रोकने के लिए उचित उपाय है। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन नहीं सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि डस्टबिन में कैसा कचरा नहीं डालना चाहिए, जैसे लकड़ी का हो गया आपका या बर्तन से बने कचरे हो गए, इस तरह के प्रश्न आपका आए थे। तो ये तो ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है, अगर आप ये ऑप्शन क्लियर नहीं है, लेकिन प्रश्न आपका आया था कि डस्टबिन में कैसा जो कचरा है नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में 500 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा पहाड़ी या पठार आपका फैला हुआ है। तो शायद आपका दक्कन का जो पठार है वो आपका आंसर में था, वही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बजट 2022-23 के अनुसार भारत का अनुमानित ग्रोथ कितना होगा। तो इसका जो आपका प्रश्न आया था ऑप्शन में 9.5, 9.5, 9.3 इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका 9.6% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो दोस्तों बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की दो शाखाएं ज्ञात होती है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध है, तैत्तिरीय, मैत्रिणी, कंठ और कपिष्ठकल और कठ शाखा। तो आपका दो शाखाओं के बारे में आया था, तो आपका यजुर्वेद की दो शाखाएँ आपका है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि संसद बनने की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद आपका आया था, जिसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 84 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, इस और उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था रखेगा। तो आपका अनुच्छेद 84 संसद बनने की योग्यता से संबंधित आपका है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा कि 51 क में आपका उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क में है और भाग 204 में है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है और 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आपका प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन से प्रश्न बनने वाला है, तो आप ऑप्शन को कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि प्रकाश की किरणें हैं वो किसके समानांतर होती है, इस तरह के भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद बात करें तो आपके हिमालय से कथन दिया गया था, हिमालय से कौन सा आपका कथन सही है, कि हिमालय से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है या नहीं होता, इस तरह के ऑप्शन सुनने को मिला था। तो हिमालय से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों आपका नहीं होता है, तो यही कथन दोस्तों आपका गलत था। तो यही सब दोस्तों आपका प्रश्न हिमालय से संबंधित कथन से आपका पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों पौधे में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा दोस्तों आपका होता है, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। लेकिन हालांकि प्रकाश संश्लेषण आपका ऑप्शन में नहीं था, लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन यही दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं। और भी क्वेश्चन जैसे प्राप्त होंगे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।